The last type of looping statement which we are going to discuss today is the for loop. For loop is the most advanced version of the loops till what we have discussed. We have discussed the while loop and do while loop. While loop and do while loop are which type of loop? They are sentinel loop, or you can say variable loop. When you don't know the number of repetitions, at that time you can either use the while loop or you can use the do while loop. You can make both these loops fixed loop also by using a counter variable. लेकिन जब आपको वेरिएबल लूप बनाना है तो आपको क्या कंडीशन रखनी है? ऐसी कंडीशन रखनी है वो स्टॉप कब होगी वो हमें नहीं पता है एडवांस में. से फॉर एग्जांपल आपका लूप का रिपीटेशन तब तक करना है जब तक यूजर की मर्जी हो. यूजर की मर्जी हो का मतलब क्या है कि आपको रिपीटेशन नहीं पता है. यूजर को चाहिए तो वो तीन बार लूप एग्जीक्यूट करेगा, यूजर को चाहिए तो एक बार लूप एग्जीक्यूट करेगा, या लूप एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं करेगा. लेकिन जब आप कहते हो कि लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड 5 times or 4 times, तब वो क्या हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है. सो लेट अस सी द फॉर लूप. फॉर लूप कैन ओनली बी फिक्स्ड लूप. मींस व्हाट? इसको आप वेरिएबल नहीं कर सकते. जब आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस पता है, कंपलसरी पता है कि कितनी बार आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी, उस केस में आप कौन सा लूप यूज करो? फॉर लूप यूज करो. एंड द सिंटेक्स इज फॉर विदिन द ब्रैकेट, दैट इज राउंड ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइजेशन स्टेप, कंडीशन यानी वॉट इज द फाइनल वैल्यू, देन आफ्टरवर्ड्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. जो चीज हम वाइल लूप में करते थे वही चीज यहाँ पर करनी है, या तो जो हमने इफ एंड गो टू के साथ किया है सेम चीज यहाँ पर करनी है. दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन ऑफ वॉट? काउंटर वेरिएबल, चेकिंग द कंडीशन ऑफ द काउंटर वेरिएबल, एंड इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग द काउंटर वेरिएबल. Then the loop begins with the curly braces. यानी body of the loop begins with the curly braces. Within the braces, you can specify any number of statements which are to be repeated. And finally, closing bracket. यानी जो आपके तीन steps हैं, initialization, condition and increment, वो सारी चीज कहाँ पर आएंगी? Starting में ही आ जाएंगी. जबकि while loop में क्या होता था कि initialization loop से पहले होता था, उसके बाद आपका क्या होता था? कंडीशन चेक होती थी, एंड विद इन द बॉडी ऑफ द लूप द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वॉज डन. सो हियर इज योर फ्लो चार्ट. इनिशियलाइजेशन, दैट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, चेकिंग द कंडीशन. इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड देन वॉट? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. अगर आपका ये हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है, उसका मतलब क्या है? आपका लूप कहाँ से वापस से स्टार्ट करेगा? टेस्ट और कंडीशन को चेक करने से स्टार्ट करेगा. हमेशा याद रखना है कि इनिशियलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होगा. इनिशियलाइजेशन मीन्स वॉट? स्टार्टिंग वैल्यू. Then working of the while loop. While loop में क्या होता है? It evaluates the initialization code. यानि counter variable को initialize करता है. Then it checks the condition expression. If the expression is true, it executes the for loop body. अगर आपका condition का answer क्या आ गया? True आ गया, तो क्या होगा? आपका loop की body के अंदर जितने भी statements हैं वो execute होंगे. Then it evaluates the increment or decrement condition and again follows from step B. यानी increment करने के बाद वो वापस क्या करेगा? Condition check करेगा. Condition अगर true हुई तो क्या होगा? Body of the loop will be executed. When the condition expression becomes false, यानी आपका condition क्या हो जाएगा? False हो जाएगा. It exits the loop. यानी loop का working stop हो जाएगा, repetition stop हो जाएगा. Now nested loops. What do you mean by nested loop? Nested loop means a loop statement inside another loop statement. एक loop के अंदर दूसरा loop बनाना, that is called nested loop. That is why nested loops are also called loop inside loop. Loop के अंदर loop अगर आप रखते हो तो उसे क्या कहा जाता है? Loop inside loop. Any of the looping statements can be nested. Means what? While loop को भी आप nesting कर सकते हो, do while को भी nesting कर सकते हो, and for को भी nesting कर सकते हो. किसी को भी आप nesting कर सकते हो. So let us see nested while loop. Nested while loop में क्या है? While condition and within the
कर्ली ब्रेसेस, यानी बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एक और व्हाइल कंडीशन आएगी, एंड देन विद इन दैट व्हाइल लूप स्टेटमेंट्स ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. मीन्स व्हाट, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू जब दोनों ट्रू हो जाएंगी तभी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है. एंड ये लूप फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद आप ये कौन से स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर सकते हो, आउटर लूप के स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर सकते हो. एंड लूप क्लोज, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज द नेस्टेड लूप एंड दिस इज योर आउटर लूप, इनर लूप एंड आउटर लूप. सिमिलरली नेस्टेड डू व्हाइल, नेस्टेड डू व्हाइल मीन्स व्हाट, डू आपने लिखा है, डू स्टार्ट किया है बॉडी ऑफ द लूप के अंदर, वापस एक लूप आपने स्टार्ट किया है. फिर ये स्टेटमेंट्स कौन सी लूप को बिलोंग करते हैं, दी स्टेटमेंट्स बिलोंग टू विच लूप, द इनर लूप. ओके, एंड द व्हाइल कंडीशन, दिस कंडीशन इज रिलेटेड टू विच लूप, इनर लूप, एंड देन द स्टेटमेंट्स ऑफ द आउटर लूप. And finally the while condition, this condition belongs to which do statement, outer loop statement. Nested for loop, for initialization, condition, increment or decrement, and within this again we are specifying the initialization, condition and increment, and within this loop what we are specifying, the statements, and these statements are related to which loop, inner loop. Okay, and the inner loop is closed. After that these statements are belonging to which loop, outer loop. Okay, and the loop is closed. इस तरीके से आप कोई भी नेस्टिंग लूप की कर सकते हो, चाहे वो व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल हो या फॉर लूप हो. There is no rule that a loop must be nested inside its own type. Means do के अंदर do ही आप करो, ऐसा compulsory नहीं है. In fact, there can be any type of nested loop. Okay, कोई भी तरीके का हो सकता है और किसी भी लेवल तक हो सकते हैं. यानी लूप के अंदर, लूप के अंदर लूप आप कर सकते हो, एंड ये लेवल किसी भी लेवल तक जा सकता है. से फॉर एग्जाम्पल डू, एंड विद इन दिस टू लूप वी आर नेस्टिंग विच लूप, व्हाइल लूप, एंड विद इन द व्हाइल लूप वी आर नेस्टिंग विच लूप, फॉर लूप. ठीक है, तो ये डू लूप है, डू के अंदर हम किसको नेस्ट कर रहे हैं, व्हाइल को नेस्ट कर रहे हैं, एंड व्हाइल लूप के अंदर हम किस लूप को नेस्ट कर रहे हैं, फॉर लूप को नेस्ट कर रहे हैं. तो दिस कैन बी डन इन अवर लूपिंग. सो दीज स्टेटमेंट बिलोंग टू विच लूप, दीज बिलोंग टू फॉर लूप. ओके, दीज स्टेटमेंट्स आर नेस्टेड विद इन द फॉर लूप, देन दीज स्टेटमेंट बिलोंग टू विच लूप, व्हाइल लूप. And finally, this while loop is closed. And after this, which statements are related? These statements are related to do while loop. And this while loop is closed. While means do while loop is closed. Okay. Now the two statements which we had discussed, somewhat discussed, break and continue. Break and continue can be used with which statement? With the looping statement. Break is used to terminate the loop before completing all its repetition. यानि आपको repetitions complete नहीं करने हैं और बीच में ही क्या कर देना है, loop को break कर देना है, तो आपको क्या use करना है, break statement use करना है. The control of execution jumps to the statement outside the loop. यानि loop को वो terminate कर देगा, prematurely terminate करेगा. अगर 5 repetitions बोले हैं तो वो 5 complete ना करके बीच में ही execution को stop कर देगा. Syntax is just writing the break statement. Example, integer j, and j को हम कहां तक execute करवा रहे हैं, i को, j को execute करवा रहे हैं 1 से लेके 5 तक. ठीक है, and क्या print करवा रहे हैं, we are just displaying the value of j. ओके, एंड व्हाट वी आर डूइंग, इफ जे इक्वल्स टू 3, जैसे ही जे की वैल्यू क्या हो जा रही है, 3 हो रही है, हमें क्या कर देना है, लूप को ब्रेक करना है. तो यहाँ पर कहाँ तक लूप एग्जीक्यूट होगी, दैट मींस कौन सी जे की वैल्यू प्रिंट होगी, 1 एंड 2, क्योंकि 3 पर आके वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ 1 एंड 2 आएगा. नाउ कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू इज यूज टू स्किप करंट इटरेशन, यानी सिर्फ वो करंट इटरेशन, करंट जो रिपीटेशन है उसको ही स्किप करेगा एंड नेक्स्ट रिपीटेशन स्टार्ट कर देगा. ये ऐसा नहीं करेगा कि आपके लूप को पूरी तरह टर्मिनेट कर दे, ये सिर्फ एक रिपीटेशन को स्टॉप करेगा. द सिंटेक्स इज जस्ट राइटिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट. से फॉर एग्जाम्पल, सिंपल 1 से लेके 5 की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है. ठीक है, तो व्हाट आई एम राइटिंग, फॉर आई जे इक्वल्स टू
1, j less than equals to 5, j plus plus, okay? And value क्या print करवानी है? सिर्फ j की value print करवानी है, और यहाँ लिखा क्या है? कि if j equals to 3, then continue, यानि 3 वाला जो iteration है, उसको skip करना है, and बाकी repetition as it is continue करने है, तो output will be 1, 2, 4 and 5. क्यों 3 नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? 3 पे skip कर दिया. Skip का मतलब क्या? Continue to the next iteration. I hope that the concept of loop is clear to everyone.